अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे हो यार ये वीडियो क्यों नहीं डाल रहा। यार मेरे माइंड में था कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है और डालनी है, बट मसरूफियत इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा काम होते थे कि मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता था। अगर मैं रिकॉर्ड करता था तो वो काम नहीं होता था, अगर मैं वो काम कर रहा था तो रिकॉर्ड नहीं होता था। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो इन सारे दिनों में क्या क्या हुआ है वो मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसके अलावा अपनी जो लाइफस्टाइल चेंज होती है ना, उसमें भी बंदे को काफ़ी ब्रेक चाहिए होती है। मतलब एक बंदा है जैसे मैं हूँ, मैं ना पहले कोई भी काम वगैरह इतना नहीं करता था, फिजिकल वर्क, मतलब ये करना वो करना, ये उठाना वो उठाना। तो मेरा ज़्यादातर काम कंप्यूटर पे होता था, लैपटॉप पे मैं वही काम करता था या फिर मोबाइल पे होता था। तो अब जब से मैंने बकरियां वगैरह ली हैं और ये परिंदे वगैरह पाले हैं, तो इसमें ना मुझे फिज़िकल काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब बकरियों के लिए खाना लेने जाना, खाना लेके आना और खाना बनाना और डालना और बकरियों के रहने की जगह बनानी और ये सारा कुछ, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है और सारा कुछ मैंने सेटअप कर लिया। मैं ऑलमोस्ट इन सारे बड़े बड़े कामों से फारिग हो चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या काम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में और आपसे कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो आए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने बकरियां ली हैं। अब बकरियों को हमने उस घर में शिफ्ट किया हुआ था, तो बकरियों की सही जगह ये होती है कि उसको कच्ची जगह पे रखा जाए। तो मैंने बकरियों के लिए एक तो जगह बनानी थी, ठीक है, ऊपर से जो जगह बनाई है मैंने वहाँ पे ऊपर शेड वगैरह कुछ नहीं था, मतलब धूप सीधा आती थी, तो उसके धूप के लिए भी मैंने ऊपर तरपाल वगैरह डालनी थी, तो वो लेने हम लोग गए। तो उसके कुछ सीन्स हैं वो आप लोग देख लो। तो यार अभी हम जा रहे हैं तरपाल लेने और बाइक पे जा रहे हैं। आपको आसपास का या बाइक का साउंड नहीं आएगा क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन माइक की ऑन की हुई है। तो अभी चलते हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और दोपहर का टाइम है और अभी हम कैंट मार्केट जा रहे हैं। अच्छा, तो बकरियों को हमने साथ वाले प्लॉट में जहाँ पे हमने मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं वहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे इनका घर बनाया है। और ये देखें, डंडों से इनकी जगह बनाई है ताकि ये बाहर ना निकल सकें, एक ही एरिया में रहें, क्योंकि अगर ये सारी जगह फिरेंगी तो मुर्गियों का खाना भी इधर उधर पड़ा होता है, फिर वो खाने में मुँह मारेंगे और वो सारा खाना ख़राब भी कर देंगे और खा भी लेंगी, तो इसलिए इनको हमने एक जगह दे रखी है। और ये जो ऊपर आपको तरपाल दिख रही है ये तरपाल लेके आए हैं, बाकी ये एंट्रेंस वाली साइड पे हमने इनके खाने का, ये भी खाने का भी हमने ये बनाया था, क्योंकि पहले हम ना इनको तसले में देते थे या टब वगैरह में किसी चीज़ में डाल के देते थे, तो वो उसमें गंद बहुत करती थी क्योंकि वो अंदर चली जाती थी, पाँव से गिरा देती थी। तो ये लकड़ी का, इनमें सिर्फ इसका सर जा सकता है। पहले हमने बकरियों को वो वहाँ सामने बांधा हुआ था जहाँ पे मुर्गियाँ मज़े कर रही हैं, तो वहाँ पे ना सीन ये था कि सूरज इधर से आता था इस साइड से और ना उस टाइम तो ये धूप से बच जाते थे, लेकिन जब दोपहर के टाइम जब इस जगह पे आता था ना तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ती थी, सीधी धूप इनके पास आती थी, तो इसलिए इस कोने में इनका ये जगह बनाई है। तो यार ये तो थी बकरियों की अपडेट, अब बात करते हैं तोतों की। तो मेरी डेली रूटीन पता क्या है, सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठना है, ठीक है, उठने के बाद मैंने जाना है बकरियों की घास लेने, उसके बाद मैंने आके बकरियों को घास देनी है और फिर मैंने तोतों को और मछलियों को खाना डालना है। तो तोतों का खाना वही होता है जो मैं बाजरा डालता हूँ, जो इनका मिक्स बाजरा होता है, लेकिन पानी में ना मैं इनके लिए स्पेशल ग्लूकोज डालता हूँ ताकि इनको ना गर्मी ना लगे। डेली इनका पानी भी चेंज करता हूँ ताकि इनको फ्रेश वाटर मिलता रहे। इतना कुछ करने के बाद भी, इनका ख्याल रखने के बाद भी हमारे दो तोते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ। वो दो तोते जो मरे हैं मैंने वो भी रिकॉर्ड किए हैं, वो भी आप लोग देख लेना। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रही इन तोतों के साथ क्या किया जाए ऐसा कि ये बीमार ना हो। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया, अब जाके ना मुझे एक और तोता नज़र आया कि ढीला पड़ा हुआ है। वो दो तोते तो मर चुके थे, अब इससे पहले वो तोते बिल्कुल भी ढीले नहीं थे, ऐसा नहीं था कि बीमार हों या कुछ ऐसा वैसा हो, बिल्कुल बिल्कुल सेट थे, बिल्कुल सेट। जब बीमार होते हैं ना ये पिंजरे के नीचे आ जाते हैं, तो वो दोनों तोते बिल्कुल ज़बरदस्त थे। तो वो तोते अचानक ही दोनों ना नीचे मरे हुए पड़े हुए थे पिंजरे के अंदर ही, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, मैंने इतना इनकी देखभाल की फिर भी वो बेचारे नहीं बच सके। और आज जब मैंने देखा सुबह के टाइम, आज नेक्स्ट डे आ चुका है, तो आज जब मैंने देखा तो आज एक और तोता ढीला हुआ था। वो तोता था या तोती पता नहीं, बट वो छोटे वाले तोते की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले दोनों बिल्कुल सही हैं, जो छोटे वाले हैं ना वो ऐसा ऐसा मरे जा रहे हैं।
तो अब मैंने देखा है एक ढीला हुआ था, तो उसको ना मैंने फिर ऑनलाइन सर्च वगैरह किया, तो उसमें ये था कि या तो इसको मोशन लगे होंगे या फिर इसको बुखार होगा। तो मैंने अभी इसको बुखार का शरबत वगैरह दिया है, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो भी आप लोग देख लेना। अब मेरे से जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूँ, इसके बाद भी अगर तोते नहीं बचते तो वो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं। तो यार ये हैं वो दोनों तोते, एक तो पानी के पास मरा हुआ है बेचारा, और एक वो पीछे की साइड पे बैक साइड पे ग्रीन कलर का मरा हुआ है, ब्लू और ग्रीन। वो उस ग्रीन वाले को तो चूंटियों ने बिल्कुल खा लिया है उसका साथ। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बड़े प्यार से मैंने पाला हुआ था इनको, और मुझे अच्छी भी लगती थी इनकी सुबह सुबह आवाज़ें, प्यारी प्यारी से निकालते थे। बाकी तोते बिल्कुल सेट बैठे हुए हैं, देखें ऊपर के बिल्कुल फिट फाट सारे एक्टिव हैं, और ये अचानक ही मरे हैं। क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं से पता लग जाए कोई लड़ाई हुई हो या कुछ इस टाइप का पता लग जाए कि किस वजह से ये मरे हैं, लेकिन इनका कुछ भी पता नहीं लग रहा। और ये जो ब्लू वाला है ये तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल फिट है, ये पता नहीं कैसे मर गया, इसकी नहीं समझ आ रही है अचानक से कैसे इसको कुछ हो सकता है। कोई लड़ाई के भी निशान नहीं, कुछ भी नहीं। चलो यार अल्लाह की मर्जी है, मैंने तो बहुत ख्याल रखा है। एक और बात, यहाँ पे धूप भी नहीं लगती थी, और 2-3 दिनों से धूप इतनी निकल भी नहीं रही कि इनको गर्मी लगे। तो गर्मी भी नहीं थी ना धूप इनको पड़ती थी, फिर भी पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बट बेचारे नहीं बच सके। मुझे नहीं पता अभी, वो ढीला होके बैठा हुआ थे। यार ये तोता ना आज सुबह ढीला होकर बैठा हुआ था, इसको अभी हम ब्रूफिन पिला रहे हैं। इसको बुखार हुआ तो फिर तो ये ठीक हो जाएगा। अभी शाम को हम फ्लैजल का सिरप भी पिलाएंगे, हो सकता है इसको मोशन भी लगे हों, क्योंकि इसके नीचे की जगह भी ना थोड़ी सी खाली खाली सी है। तो अभी हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं तो कंफर्म पता नहीं है कि ये इसको बुखार है या मोशन लगे हुए हैं। और हाँ एक और चीज़ तो बताना, मैं भूल ही गया कि हमने घर में कुरान खानी भी करवाई थी, तो पिछले दिनों वहाँ पर भी मैं बिजी था। यार ये चेक करो, 14 अगस्त के सीन ऑन है भाई साहब। ये तकरीबन 1 महीने से यहाँ पर सारी जगह पे झंडे वगैरह और सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ शुरू हैं, बच्चों के कपड़े और ये सब कुछ, यहाँ पे पूरी मार्केट सजी हुई है 14 अगस्त के लिए। तो आप लोगों के एरिया में, आप लोगों के सिटीज़ में क्या क्या सीन चल रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पर तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत ही अभी से बहुत ज़्यादा तैयारियाँ शुरू हो पड़ी हैं लोगों की। यार आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, और कोशिश करूँगा इस बार वीडियो जल्दी आए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।